गया के प्राइवेट कॉलेज में प्राइवेट स्कूल में तीसरी क्लास में पढ़ने वाले 6 साल के विवेक की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। उसे पूजा की थाली से प्रसाद उठाकर खाने के लिए पीटा गया था। दरअसल मंगलवार को स्कूल में दुर्गा पूजा हो रही थी। विवेक ने पूजा की थाली से एक सेब उठाकर खा लिया था, जिसके बाद टीचर और उसकी पत्नी ने उसे एक कमरे में ले जाकर जमकर पीटा, फर्श पर पटक कर छाती पर चढ़ गए और ये कहा जा रहा है कि उसके बाद बुरी तरीके से मारा। ये बात विवेक ने मौत से पहले अपने दादा को बताई। बच्चे को बेहोशी की हालत में गांव के ही एक ऑटो ड्राइवर और एक आदमी घर लेकर आए थे। वो सड़क पर लेटा हुआ था और उसकी हालत बेहद खराब थी, जिसके बाद परिजनों ने वजीरगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए उसको भेजा, जहाँ पर प्राइमरी यानी प्रभारी चिकित्सक ने एम्बुलेंस में तेल नहीं होने के कारण ANMCH रेफर कर दिया था और रास्ते में ही मासूम की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्कूल संचालक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पत्नी भी फरार है, जिसकी तलाश लगातार की जा रही है। 27 तारीख के रात्रि में बच्चे को वहां के स्कूल संचालक स्त्री पुरुष विकास कुमार सिंह एवं उसकी पत्नी दोनों मिलकर हमारे बच्चे को बुरी तरह से मारा। मारने का वजह, बच्चा नवरात्रा में सेब और केला सजाए हुए फल को खा गया था, इस वजह से उसकी पिटाई की गई। पिटाई ऐसी की गई कि उसकी मौत ही हुई। बच्चा स्कूल से पढ़ के आया, हम पूछे कि हाथी कैसे फूला हुआ है। रात में हम पूछे उससे, जब रात में साथ में बैठता है पढ़ने के लिए तो टास्क सूच देखते हैं, तो इसका हाथ देखे फूला हुआ है, तो बल कैसे हाथ फूला ही रहे, तो कुछ बताइए नहीं रहा है डर से। तो फिर हम इसको लेके चल गए तुरंत मगध मेडिकल हॉस्पिटल गया। जब वहाँ से एक्सरे करवाया तो एक्सरे में मगध मेडिकल में निकला कि हाथ इसका फ्रैक्चर है। तो वहाँ पर तुरंत एक्सरे हो करके तुरंत इसका प्लास्टरा हुआ। मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट है मगध मेडिकल का, सब कुछ है, आप कागज़ भी देख सकते हैं। एक्सरे सब सरकारी हॉस्पिटल से ही हम करवाए हैं, बाहर से कुछ हम नहीं करवाए हैं। तो बच्चा वो साइड रोड के वो किनारे लौट रहा था, छाती पकड़ के बैठ के रो रहा था। तो एक लड़का वहीं के था, किनार के लड़का था, उसको उठाया बच्चा को, उससे पूछा बच्चा से कि कहाँ घर है बाबू, तो बताया कि उखड़ा घर है। बोला किसका बेटा है, तो बताया कि मुकेश प्रसाद का बेटा है। उसने फिर बच्चा को उपटी सी पटी लाया मेरे पास, लाया तो बोला चिंता है इसको बंटी था, हम बोले नहीं चिंता है। तो बोला कि मुकेश केरा नाम, तो हम बोले कि हाँ गाँव में मेरा नाम है। तो बोला कि इसको पहुँचा दो ना, तो हम तुरंत अपना ऑटो में बैठाएँ और लेके चलाएँ। जिस समय हम बच्चे को देखे तो उस समय तो उसका हालात ख़राब ही था, ये पूरा सूजा था और इसके बाद ये सूज रहा था, धीरे धीरे पूरा सूज ही रहा था। उसके बाद हम यहाँ पर बोटाम देखे, लगा हुआ था, वो खुला हुआ था, यहाँ पर भी कसा हुआ। हम अभी खड़े हैं गया के बजरगंज और फतेहपुर मुख्य सड़क मार्ग पर। यह आवासीय लिटिल लीडर्स पब्लिक स्कूल है, जहाँ पिछले 28 सितंबर को मात्र एक छोटी सी गलती के कारण स्कूल के संचालक विकास सिंह और उनकी पत्नी के द्वारा पिटाई किए जाने के बाद छात्र की मौत हो जाती है और घटना के बाद स्कूल पूरी तरह बंद है। आप देख सकते हैं कि यह आवासीय लिटिल लीडर्स पब्लिक स्कूल है और जहां घटना के बाद से यहां ताला लगा है। वहीं मौत की घटना के बाद परिजनों ने FSL टीम और CBI जांच की मांग गया जिला प्रशासन से की है। अजीत कुमार, न्यूज़ स्टेट, बिहार, गया।